तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं कि यावानर्थ उत्पाने सर्वतः समलुप्तो दधिगे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सर्वतः सब तरफ से समुप्लो लतोपदके परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर उद्पाने छोटे गड्ढों में भरे जल में यावान जितना अर्थः प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। विजानतः वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्राह्मणस्य ब्रह्मज्ञानी का सर्वेषु संपूर्ण वेदेषु वेदों में तावान इतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। अर्थात यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदपे तोदके जल से सर्वदा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाएं तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता और यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अर्थात उसकी स्वच्छता निर्मलता पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ऐसे ही जो महापुरुषों परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 70वें श्लोक में दिया है कि वह अज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है उसके सामने कितने ही भोग आ जाए पर वे इसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। तो जो परमात्मा तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है उस महापुरुष को यहां ब्राह्मण से विजानतः पदों से कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है और निर्द्वंद हो जाता है अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है। वह निर्योग क्षेम हो जाता है अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे ऐसा उसमें भाव ही नहीं होता वह सदा ही परमात्म परायण हो जाता है। इसके भाव में सांसारिक भोगों का अंत नहीं है अनंत ब्रह्मांड है और उसमें अनंत तरह के भोग हैं परंतु उनका त्याग कर दे उनसे असंग हो जाए तो उसका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं परंतु उनका त्याग कर दे निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। अतः छोटा श्लोक है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे मनोबल बना रहे। बोलो श्री राधे कृष्णा।